गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, आज संडे का भी मेनू बिल्कुल तैयार है। और आपके यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हैं आप सब? और संडे को मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। और जो भी टाइम बचेगा, थोड़ा सा टाइम है संडे को, तो आज जाऊँगी छत पे झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि दिवाली आने वाली है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर आगे के काम के लिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा नाश्ते के लिए, और इसके बाद छत का काम शुरू होगा। तो मैंने ये आलू उबाल के रख लिए हैं। आप लोग सोचते होंगे ये आलू इतने कम क्यों हैं, इसलिए कि मेरी फैमिली में बहुत ही कम लोग हैं, बस मैं, हस्बैंड, बच्चे और सासू माँ, तो इसलिए हम लोगों का बहुत कम में काम चल जाता है, डाइट भी ज़्यादा नहीं है। फैमिली तो वैसे बड़ी थी, लेकिन अब सब लोग फिर अपने अपने कमाने खाने के चक्कर में दूर हो गए हैं सब लोग, तो अब हम लोग फैमिली में बस बहुत कम लोग बचे हैं। मेरी सासू माँ हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करती हैं मेरी अब, लेकिन थोड़ी बीमार रहती हैं, तो अब उनसे ज़्यादा काम होता नहीं है, तो उनको रेस्ट करने को ही बोलते हैं, लेकिन वो है बहुत अच्छी। तो गाइस, मैं आटा सान रही हूँ, आटा बनने के बाद मैं सेकूंगी आलू का पराठा, उसके बाद और आगे का वर्क करूँगी। फिर आटा से निकाला है, आटा बन चुका है फ्रेंड्स। अब मैं आलू छील के उनको कसने जा रही हूँ। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब आलू के पराठे ही अच्छे लगेंगे सबको, मूली के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, बस नाश्ते में पराठे ही बनते रहेंगे रोज रोज। मम्मी टीवी देख रही हैं, आप लोगों को वॉइस आ रही होगी थोड़ी, मम्मी इस टाइम टीवी देखती हैं, और मैं किचन में काम करती हूँ, तो वहाँ से आवाज़ आती रहती है। सब कुछ डाल के मसाला तैयार कर लूँगी, फिर सेकूँगी आलू के पराठे। तो फ्रेंड्स, मेरा पराठा तैयार हो गया है, ऐसा इसे सॉस के साथ सबको दे देंगे। और अब बाकी पराठे के बाद मेरा काम ख़त्म है, फिर मैं और काम करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग आए हैं अपने छत का कबाड़ साफ करने। हेलो, मैं भी हूँ, कैसे हैं आप सब? मेरा गला तो ख़राब हुआ लेकिन मेरा गला सही है थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपको बता रही हूँ, छत पे बहुत गंदगी हो गई थी, अब दिवाली आ रही है तो इसको सफाई करनी है, तो आज हम लोग छत की सफाई करेंगे। चलो सबको गंदगी दिखा दो कितनी हो गई। गंदगी भी दिखा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अमरूद के पेड़ के नीचे से सफाई करेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ना धूप है ना छांव है, बढ़िया हो रहा है बिल्कुल। चलिए अमरूद के पेड़ को सफाई करते हैं। छत पे पेड़ हैं बहुत, तो बहुत सारे पत्ते हो गए हैं, सबको बटोरना पड़ेगा पूरे में। कूड़ा उठाने वाला सर सब भूल गया है।
इन लकड़ियों को काट देते हैं, इनको नीचे ही छोड़ देते हैं। झाड़ू लगाओ, मैं जब तक बातें कर लेती हूँ। देखिए कैसा हो रहा है सब। मम्मी झाड़ू लगा रही है। हम लोग की छत थोड़ी बड़ी है तो सफाई करने में टाइम लगेगा। रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे, इसलिए अभी से ही सफाई शुरू कर दी है। और अभी नीचे घर की भी तो करनी है, अभी इसका भी आप लोग को दिखाओ, अगर होगा तो वो भी दिखाइए। अभी नीचे भी आप लोग ने हमारा घर तो देखा ही है, वो भी थोड़ा सा बड़ा है, उसकी भी सफाई में टाइम लगेगा। और आप लोग बताइए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग दिवाली की। और हम लोग भी कर ही रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले दिवाली की तैयारी से सफाई से ही शुरू होती है। सबसे पहले हम वो सफाई कर रहे हैं, फिर हम लोग जो जो खरीदेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा दिवाली में। तो ये देखिए मम्मी ने कूड़ा जमा कर लिया। मम्मी आपको झाड़ू लग गई? हाँ लग गई बस, बाहर मैं बस ये बोल रही हूँ, ये सब पत्ते टूट टूट के सब सूख ही गिर गए हैं यहाँ पर, बस ये सब भर में होती है। अच्छा